हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? एवरीथिंग इज फाइन। वेलकम टू डोंट आई टॉक टू वंस अगेन। तो आज का वीडियो है कुछ आपके ड्रोन लवर्स के लिए, कि आपके पास अगर ड्रोन है, जैसे मेरे पास है मैविक एयर, काफियों के पास होगा क्योंकि काफी तरह से हमारे पास ड्रोन इस कैटेगरी में, माइक्रो कैटेगरी में या नैनो कैटेगरी में हमारे पास आते हैं। तो आपके पास भी कोई ना कोई ड्रोन डेफिनेटली होगा। अब आपके सवाल जो सबसे ज्यादा मुझसे पूछा जाता है कि ये ड्रोन तो हमारे पास है, बट अब हम इसको लीगली कैसे समझें कि हमारे पास ना तो बिल है ना कुछ है, DJI का ड्रोन है, तो उसको कैसे लीगली, क्या प्रोसीजर है रेगुलेशंस में? तो उसका 2020 में एक प्रॉपर प्रोसीजर निकल कर आया है, जो कि अभी ड्राफ्ट फॉर्म में है, कुछ ही दिनों में ये रेगुलर रेगुलेशन बन जाएगा। तो वो क्या है प्रोसीजर, वो मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ और अपने कमेंट्स भी बताऊंगा कि किस तरह का, मतलब मेरे क्या विचार हैं इसको लेके, और आप जरूर कमेंट्स में लिखें। और अगर आप नए चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पे हम लेके आते हैं ड्रोन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन एंड टेक जो मैं यूज करता हूँ। तो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू फोकस ऑन दिस रेगुलेशन, की एग्जिस्टिंग ड्रोन्स वाले क्या करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले क्या कहा गया है रेगुलेशन में, DJCA के ऊपर ये रेगुलेशन है, और जो मैं फॉर्म नंबर बता रहा हूँ, फॉर्म नंबर है UA6, फॉर्म नंबर UA6। ये फॉर्म नंबर आपको पूरा भरना पड़ेगा, जिससे आपका जो एग्जिस्टिंग ड्रोन है, जिसकी आपके पास सपोज DJI का ही है, और उसके पास आपके पास ना तो बिल है, कुछ भी नहीं है, जिस तरह से ड्रोन इंडिया में आए हैं, मतलब आप सब जानते हैं। तो सपोज आपके पास कोई भी ड्रोन DJI का है, उसको आप लीगल करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, आपको फॉर्म नंबर UA6 फिल करना होगा। उसमें जो जो रिक्वायरमेंट है, मैं आपको बताने वाला हूँ डिटेल में क्या क्या उन्होंने मांगा है, वो सब आपको फिलअप करने के बाद जमा करवाना पड़ेगा। एंड देन आपको एक डॉक्यूमेंट दिया जाएगा, अगर आप सब फॉर्म की फॉर्मेलिटीज को फिल करते हैं, एंड आफ्टर दैट यू विल बी एबल टू मेक योर ड्रोन लीगल। हालांकि प्रोसीजर बहुत पेचीदा बनाया गया है मेरे हिसाब से, अगर मैं कॉमन मैन की तरह आपके, मतलब ऑडियंस की तरफ से मैं जब मैं देखता हूँ तो बहुत पेचीदा है। पहले मैं आपको बता दूं है क्या क्या, फिर मैं अपने विचार प्रकट करूंगा, आप भी अपने विचार प्रकट करें। तो सबसे पहले क्या है, जो भी इसमें ओनर होगा उसको जाकर फॉर्म नंबर UA6 भरना पड़ेगा। वो किसके लिए है, वो उन ड्रोन ओनर्स के लिए है जिनके पास ड्रोन है, एग्जिस्टिंग ड्रोन है DJI का, बट वो चाहते हैं कि वो लीगल बन जाए। तो वो कैसे बनेगा, सबसे पहले आपको DAN और ON नंबर, जैसे वो लिस्टिंग हुई थी ड्रोन्स की, कितने ड्रोन्स हैं हमारे पास, तो जिस ने वो DAN नंबर और ON नंबर जो रिलीज हुए थे DJCA की साइट पे, मैंने वीडियो बनाया था पीछे, और काफी लोगों ने इस वीडियो के फॉलो करते हुए अपना DAN नंबर, अगर आपने नहीं लिया है तो अभी भी आप जाकर ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपने DAN और ON नंबर, ये क्या है, ये नंबर है जिससे आपका ड्रोन लिस्ट होगा, इंडियन एक लिस्ट बनाई गई है जिसमें आपका ड्रोन शामिल हो जाएगा कि इस बंदे का ये ड्रोन है और ये इनका एड्रेस है, ये इन्होंने लिया है और इनके पास एग्जिस्ट करता है। उसमें ड्रोन की फोटो लगेगी, सारा मैंने डिटेल बताई हुई है, आप चेक कर सकते हैं, हो सकेगा तो मैं ऊपर कार्ड में लिंक दे दूंगा। तो ड्रोन रेगुलेशन वाला जो प्लेलिस्ट है मेरी, यही वाली जिसमें ये वीडियो चल रहा है, उसमें आप देख सकते हैं, जिसको नहीं पता लग रहा, अगर पता लग रहा है तो आप DJCA साइट पे जाके देख सकते हैं कैसे भरना है। तो वो सबसे पहले आपको लेना है, अगर आपके पास है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए यस वी हैव, तो आपने एक स्टेप पूरा कर लिया। वो ड्रोन DAN नंबर, DAN नंबर और ON नंबर, ON नंबर इज फॉर ओनर और DAN नंबर इज फॉर ड्रोन। अगर आपके पास चार ड्रोन है तो चारों का अलग अलग DAN नंबर होगा, लेकिन ON नंबर अगर आप एक हैं, मतलब आपके पास चार हैं, तो आपका ON नंबर एक होगा। तो इस तरह से ये आपने अपने पास रखने हैं, पहला स्टेप है ये। उसके बाद क्या करना है, आपको उस ड्रोन को कंप्लायंट बनाना है NPNTK के। अब यहां पर जो है बहुत कह सकते हैं ना कि पेचीदा चीज यहां पर आती है। अब आपके जैसे और मेरे जैसे जो आम आदमी है जिसके पास ड्रोन आया है, वो ड्रोन हॉबी रखता है, या वेडिंग फोटोग्राफर है जिसने वेडिंग शॉट्स लेने हैं, उसने ड्रोन ले रखा है, तो वो आदमी ये चीज कैसे करवाएगा? यानी DJI ड्रोन को वो कह रहे हैं कि आप अपनी कंपनी से कह के या कंपनी का कोई रिप्रेजेंटेटिव से कह के, जिस तरह भी आप करें उसको NPNTK कंपेटिबल बनाएं, मॉडिफिकेशन उसमें करवाएं, चाहे वो सॉफ्टवेयर से होती है चाहे वो हार्डवेयर से होती है। जहां तक मेरा नॉलेज है सॉफ्टवेयर से वो NPNTK कंपेटिबल बन सकता है, अगर
सवाल आता है, अगर डीजीआई को अलाउ किया जाए और डीजीआई यहां पर उनके एजेंट आए, अब प्रेजेंट सिचुएशन में क्या हो रहा है, चाइना से लड़ाइयां हो रही हैं, और ये डीजीआई जिसको नहीं मालूम है वैसे आपको पता होगा चाइनीज कंपनी है, और इट इज वन ऑफ द टॉप कंपनी इन ड्रोन इंडस्ट्री अभी तक, बाकी और भी आ रही है बट डीजीआई का बहुत नाम है। अब कौन कर सकता है इसको मॉडिफिकेशन, हम, मैं या आप या कोई भी कंप्यूटर इंजीनियर तो उसको उसके सॉफ्टवेयर में ढंग से नहीं डाल सकता ना, मैन्युफैक्चरर ही कर सकता है। तो यहां पर क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि कैसे होगा ये थर्ड जो रेगुलेशन मैंने थर्ड स्टेप बताया कि आपको उसको कंप्लायंट बनाना पड़ेगा, मतलब उसमें एनपी नो परमिशन नो टेक ऑफ वाला सिस्टम उसमें होना चाहिए। अब मेरे ड्रोन में नहीं है, जितने भी ड्रोन है डीजीआई के उसमें नहीं है, तो होगा कब, जब हालात सुधरेंगे और एनपीएनटी मतलब डीजीआई का कोई बंदा सांड गांठ करके यहाँ पर आएगा और हमारे सबके ड्रोन्स में वो सॉफ्टवेयर अपडेट रिलीज करेगा स्पेशली फॉर इंडियंस, तब इंडियन ड्रोन्स एनपीएनटी को मेडल होंगे, तब ये कंडीशन पूरी होगी। उसके बाद ये कंप्लायंस होने के बाद डीजीसीए के ऑफिशियल्स उसको टेस्ट करेंगे कि हाँ, मतलब एक दो मॉडल इनिशियली टेस्ट कर लेंगे, जैसे मैं भी केयर है कि मैं भी केयर के कुछ मॉडल्स उन्होंने टेस्ट कर लिए आफ्टर दिस मॉडिफिकेशन और उनको लगा कि यस ये एनपीएनटीपी कंपेटेबल हो गए हैं, तब उनको अप्रूवल दे दी जाएगी कि ये कंप्लायंट है हमारी रेगुलेशन के हिसाब से, देन ये फॉर्म नंबर UA6 की ये वाली कंडीशन पूरी होगी, और ये पूरी होने के बाद आपको सर्टिफिकेट ऑफ मैन्युफैक्चर दे दिया जाएगा, जिसका मतलब है एक वो वैलिड प्रूफ है कि आपका ड्रोन हमारे रेगुलेशन यानी इंडियन रेगुलेशन के हिसाब से एनपीएनटी कंपेटेबल है एंड इंडियन रेगुलेशन के हिसाब से वो लीगल है। ये सब करने के बाद आपको उस आप देन यू सच पर्सन मेक एन एप्लीकेशन फॉर UIN, फिर आपने यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर लेना है, ये चीजें करने के बाद तब वो जो नंबर मिलेगा एक नंबर प्लेट की तरह जैसे हमारे गाड़ियों में लगती है, वो आपके एग्जिस्टिंग ड्रोन पे चिपका दी जाएगी और आपका ड्रोन लीगली इंडियन रेगुलेशन के हिसाब से लीगल हो जाएगा। तो ये सारा तामझाम है फॉर्म नंबर UA6, आप DGCA की साइट पर जाएं, सर्च करें, वहां पे आपको मिल जाएगा। आप बोलेंगे तो मैं आफ्टर दिस डिमांड के ऊपर इसमें लिंक भी डाल दूंगा, आप जाके देख पाएंगे, तब आपको पता लगेगा कि क्या है। फॉर्म तो कुछ भी नहीं है, फॉर्म नंबर UA6, इसमें मैं आपको स्क्रीन पे जाके दिखा भी दूंगा कैसा है। अब उसको दिखाने से पहले अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं कि मेरे हिसाब से ये गवर्नमेंट ने बहुत एक अजीब सा चीज खड़ी कर दी है ड्रोन लवर्स के आगे या जिनके पास ड्रोन एग्जिस्ट कर रहा है, वो कैसे करेंगे। ये एक आपका और मेरा सवाल नहीं है, काफी लोगों के पास ड्रोन है और एज मतलब पर्सनल लेवल पे आप ये चीज मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं, तो कंपनी को ही इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, तब वहां के बंदे डीजीआई के कुछ मॉडिफिकेशन करके अपडेट सेंड करेंगे, तभी हमारे ड्रोन्स कंप्लायंट होंगे। अदरवाइज अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है आने वाले कुछ टाइम में, एक दो महीने में, तब हम सबके ड्रोन्स इलीगल हो जाएंगे क्योंकि उनका UIN नंबर मिलेगा नहीं और UIN नंबर के बिना हम ड्रोन लीगली उड़ा सकेंगे नहीं, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। तो मैं चाहूंगा जितने भी ड्रोन ओनर्स हैं इस वीडियो पे कमेंट करें, क्योंकि आई थिंक मेरा एक चैनल है जो यूनिकली ये कंटेंट बना रहा है ड्रोन रेगुलेशंस के ऊपर और ड्रोन्स के ऊपर, बिकॉज मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है और काफी लोग पसंद भी करते हैं। तो मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो में आप कमेंट करें, अपने विचार प्रकट करें, और ताकि ये वीडियो ज्यादा सर्कुलेट हो और गवर्नमेंट तक एक मैसेज पहुंचे कि प्लीज इसमें कुछ किया जाए, जो ड्रोन एग्जिस्ट कर रहे हैं, काफी मात्रा में ड्रोन एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनको लीगल करने के लिए कोई अच्छा उपाय किया जाए, या DGI से आप बात करें ताकि वो मॉडिफिकेशन भेजें ऐप में, अपडेट करें हमारा फर्मवेयर और हम NPNT कंपेटेबल अपने ड्रोन को कर सकें, एंड देन वी कैन ऑल्सो हैव UIN नंबर। तो ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है और आपके लिए इसमें फायदा है, तो प्लीज आप ये स्टेप अभी करें। जो जो ड्रोन लवर है इनके पास ड्रोन है, ड्रोन का नाम लिखें और जरूर बताएं कि आपको ये प्रोसीजर कैसा लगा। तो आपको मैं एक झट से दिखा देता हूँ क्या क्या है UA6। फ्रेंड्स, ये है फॉर्म नंबर UA6 जो अवेलेबल है, इसमें आपको नेम ऑफ द ऑथराइज ऑनर, अपना नाम, यूनिक जो आपको ऑथराइजेशन नंबर है वो आपको ऑथराइज भी होना पड़ेगा इसको भरने के लिए, जो मैंने पहले पिछले वीडियो में बताया था, जिसने नहीं देखा जाके देख लें। फिर DAN नंबर, OAN नंबर, एड्रेस, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, फिर इंपोर्ट कैसे किया था वो तो आप इसमें आपको खाली छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी एग्जिस्टिंग ड्रोन है इंपोर्ट का तो आपको कुछ नॉलेज होगा नहीं, क्योंकि ऐसे ही आए हैं सबको मालूम है।
तो ये सारा आपको डिटेल्स भरनी पड़ेंगी, मॉडल नेम क्या है, विंग क्या है, ये भी आप DGCA की DGA की साइट पे जाके आपको कुछ टेक्निकल चीज़ें पता लगें तभी आप भर पाएंगे, नहीं तो नहीं भर सकते बिना विदाउट। अगर आप चाहते हैं इस फॉर्म का मैं डिटेल में बनाऊं वीडियो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। ये सब कुछ करने के बाद आपको ये साइन करके देना होगा। तो मेरे हिसाब से तो बहुत इम्प्रैक्टिकल सा ये लग रहा है जो इन्होंने रेगुलेशन बनाया। तो जो मैंने आपसे दरख्वास्त की है, आप ज़रा उस पर विचार करें और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। और प्लीज़ आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और अपना कोई भी आपका क्वेश्चन हो रिगार्डिंग ड्रोन और टेक भी, जैसे मैं मोबाइल्स और गैजेट्स के ऊपर भी वीडियोज़ बनाता हूँ, तो जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें और शेयर जरूर करें वीडियो। थैंक यू वेरी मच।